हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का, वो रहेगा औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने औसत यानी कि एवरेज के डिस्कस करूंगा। तो ये ऑनलाइन क्लास है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो औसत यानी कि एवरेज के जो भी क्वेश्चन है हम कुछ फार्मूले की मदद से करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है। क्वेश्चन है आपका 1 से 80 तक की संख्याओं का आपको औसत निकालना है। 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, हम हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है कि आपको 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। फ्रेंड्स, औसत अलग चीज़ है और योग वाले क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से होंगे। ठीक है, तो 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत हम निकालेंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अगर हमको लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना है तो फार्मूला यही लगेगा। तो ये एक्चुअली 1 से 80 तक प्राकृत संख्याएँ क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ जो होती हैं इनको हम प्राकृत संख्याएँ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका एक बहुत अच्छा सूत्र है, फार्मूला है, उससे आप सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू नंबर दे रखे हैं 1 से 80। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 1 से 20 दे रखा है, फिर 30 से 40 दे रखा है, फिर 50 से 60, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। लगातार संख्याएँ दे रखी है 1 से 80 तक। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लगातार संख्याएँ दे रखी हो, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है लगातार एन तक की प्राकृत संख्याएं दे रखी हो। प्राकृत संख्या अगर आपको दे रखी हो लगातार एन तक, यहां पर एन तक मतलब कितने, 80 तक की संख्याएं आपको दे रखी। ठीक है, प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो आपको लगातार एन तक की प्राकृत संख्याएं अगर दे रखी हो और अगर आपसे उनका औसत पूछा जाए तो एक फार्मूला लगता है इसमें। लगातार एन तक प्राकृत संख्याओं का अगर हमको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है n+1/2। ओके, n+1/2। अब इसमें फ्रेंड्स n क्या है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। n जो होगा वो लास्ट वाला डिजिट है हमारा 80। ठीक है, तो n+1, तो यहां पर हम करेंगे इसको 80+1/2 क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसको आप टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 81/2। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40.5, यानी कि 40.5 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 1 से 80 तक की संख्याओं का जो औसत निकलेगा वो निकलेगा 40.5, यानी कि 40.5 के आसपास। ठीक है, आप 81 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 40.5 आपका आंसर आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है तो आपको इस मेथड से करना होगा। ठीक है, चलिए आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन आपका यह है, 1 से 151 तक की संख्याएं दे रखी है आपको, 1 से 151 तक की संख्याओं का हमको औसत निकालना है। ठीक है, 1 से 151 तक की संख्याओं का औसत, ये कैसे निकालेंगे हम, ये भी सेम होगा, 1 से 151 तक की संख्याओं का औसत निकालिए। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिजिट जो है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन आप बड़े ध्यान समझिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है 1 से 151 तक की संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमको औसत निकालना है और संख्याएं जो दे रखी है प्राकृत संख्याएं, 1 से लगातार 151 तक की संख्याएं हमको दे रखी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है भी पहले जैसा ही होगा, कैसे, फार्मूला वही लगाएंगे हम, क्योंकि हमको लगातार संख्याएं दे रखी है। तो लगातार संख्याएं जब दे रखी हो और उनका अगर हमको औसत निकालना हो एवरेज, तो फार्मूला वही रहता है n+1/2। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे n+1। n क्या है हमारा, जो लास्ट डिजिट होता है वो हमारा n होता है, n यहाँ पे है 151। ठीक है, +1/2, तो जब आप 151+1 करेंगे तो ये आपका आंसर होगा 152/2। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 76। 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 छंग 12, लगभग 76 इसका जो है वो करेक्ट
आंसर होगा। तो ऐसे जो है वो लगातार किसी भी संख्याओं का हम औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको एक बार। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा, अब थोड़ा सा जो है पैटर्न बदल रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो अलग तरीके का होगा, उसमें आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा औसत का कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं की के वर्गों का औसत आपसे पूछा है, के वर्गों यानी कि स्क्वायर का निकालना आप थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपको औसत नहीं पूछा है, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का हमको निकालना है यहाँ पे औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का आपको औसत निकालना है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालिए, देन हम फार्मूला लगाते हैं n+1/2 वाला। यहाँ पे एक अलग फैक्ट है, यहाँ पे इन्होंने प्लस कर दिया है कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का हमको औसत निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी लगातार संख्याएं दे रखी है आपको, बीच में कोई संख्या इन्होंने मिस नहीं करी है। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उस सूत्र की हेल्प से आप ये निकाल सकते हैं। वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लगातार एन तक की जो प्राकृत संख्याएं होती है, लगातार एन तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का अगर हमको औसत निकालना है, के वर्गों का औसत एवरेज अगर हमको निकालना है, तो फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। वो ये है n+1 ब्रैकेट में फिर है 2n+1/6, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, n+1/6 है और फिर यहाँ पे 2n+1/6, ठीक है। ये कब लगाना है, जब आपसे स्क्वायर का एवरेज पूछे, वर्गों का औसत अगर आपसे पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर आपसे औसत पूछे, देन हमको ये वाला फार्मूला पुट करना है, ठीक है। सिंपल सा है, n+1 फिर ब्रैकेट में 2n+1/6, ठीक है। चलिए और इसको करने की हम कोशिश करते हैं, बड़ा सिंपल है ये। तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, n हमारा जो लास्ट वाला डिजिट रहता है वो है, तो यहाँ पे 25+1, ठीक है। फिर है 2 × n, n वापस 25 हो जाएगा हमारा, +1/ सबके अपॉन में हमको क्या लेना है, 6 लेना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 25 और 1 हो जाएगा हमारा 26, ये ब्रैकेट है यहाँ पे n2 है। 25 का टेबल आप दो बार बोलना, 25 × 2 = 50 और +1, ये हो जाएगा हमारा 51/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन कैंसिल करेंगे, तो ओवरऑल हमारा इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए आप, कितना जाता है, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21, ठीक है। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 13 × 17, जब आप 13 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका आंसर आएगा 221, ठीक है। 221 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है हमको, ठीक है। तो फार्मूला ये लगेगा, जब भी आपको लगातार संख्याएं दे रखी हो, लगातार प्राकृत संख्याएं दे रखी हो और अगर उनका औसत ही निकालना हो सिर्फ, तो मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है कौन सा, n+1/2 वाला, सिर्फ लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए। लेकिन अगर वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है, तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा n+1 देन 2n+1/6। इस फार्मूले से आप सभी संख्याओं का जो है वो औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1 से 44 तक कर लेते हैं अपन, 144, 1 से 44, ठीक है। 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत हमको निकालना है। फ्रेंड्स ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है। औसत का 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का हमको औसत निकालना है। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे डिजिट जो है वो चेंज हो गई है। 1 से 44 तक का हमको निकालना है कि सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया जिसका नाम है n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 है, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा
ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। n दे रखा है, n हमारा 44 है, 44 प्लस 1 ब्रैकेट में 2 इंटू एन वापस दे रखा है 44 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 44 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 इंटू आएगा ब्रैकेट है तो 44 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 प्लस 1 लगभग हो जाएगा 89, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करिए, लगभग पॉइंट में इसका जो है आंसर आएगा, इसको हम 3 से करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दुना 6 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, और इसको 2 से आप कैंसिल करेंगे, 2 वन ज़ा 2 तो 2 सती 14 लगभग 7.5। ठीक है, तो 7.5 इंटू 89 जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा 667.5। ठीक है, ये 667.5 जो है 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। तो ये हमारा टाइप नंबर सेकंड था, तो इसके मैंने आपको लगभग 2 क्वेश्चन करवाए हैं और सिर्फ औसत के भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कर दूँ कि 1 से 44 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालिए, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे जो हमने फर्स्ट में लगाया था, सिंपल है वो n प्लस 1 अपॉन 2 वाला। ठीक है, तो अगर सिर्फ 1 से 44 तक की सभी संख्याओं को सिर्फ अगर आपसे औसत पूछा जाए तो सिंपल है, 44 प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे, देन ये हो जाएगा हमारा 45 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे, 2 दुना 4 लगभग 22.5 जो इसका क्या आएगा औसत, 1 से 44 तक की सभी संख्याओं का औसत आएगा 22.5। लेकिन अगर वर्ग कर दे तो वर्ग के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है, कौन सा है, n प्लस 1 देन 2n प्लस 1 अपॉन क्या है 6। वर्ग लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है, वर्ग ये ध्यान रखना है आपको, वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, और सिर्फ अगर आपको लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है देन आपको ये वाला फार्मूला पुट करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। अब हम एक नए तरीके का क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, आप कॉपी में नोट करते जाइएगा और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक नए टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आपसे पूछा है अब क्यूब वाली बात करेंगे हम, 1 से 17 तक लगातार दे रखी है, 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत पूछा है आपसे, के घन यानी कि क्यूब के घनों का औसत हमको निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कठिन जरूर है पर आप करेंगे तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों, ये यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, एक बार वर्ग दिया था, एक बार कुछ नहीं दिया था और अब यहाँ पे आ गया घन। तो आपको लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं की सभी संख्याओं का घन यानी कि क्यूब का जो है आपको औसत निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका भी काफ़ी अच्छा सा जो है एक फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वो सूत्र जो है क्या है। अगर आपको इस टाइप का कभी क्वेश्चन दे दे कि लगातार n तक की जो संख्याएं होती है जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ये अंडरस्टूड है, अगर नहीं दे प्राकृत वर्ड तो भी आपको याद रखना है, लगातार n तक की प्राकृत संख्या संख्याओं का कर लेते हैं, संख्याओं का के घनों का औसत हमको निकालना है। ठीक है, के घन यानी कि क्यूब के घनों का औसत, बड़ा सिंपल सा इसका एक फार्मूला है, वही फार्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, घन के औसत के लिए हमको फार्मूला जो पुट करना है वो ये है, एन ब्रैकेट में एन प्लस वन का स्क्वायर और अपॉन में हमको करना है 4। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप पुट करेंगे तो आपको जो प्राकृत संख्याएं दे रखी है उन सब के जो घन है उनके आप औसत निकाल सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बार और ध्यान से समझिए आप, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। इस फॉर्मूले से हम जो हमारी लगातार प्राकृत संख्याएं दे रखी है इनके घन यानी कि क्यूब का जो है हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस फार्मूले में आप सारी वैल्यूज जो है पुट कर दीजिए, एन एन की वैल्यू आपको पता है लास्ट डिजिट जो होती है वो एन होती है, तो ये हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 17 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा फ्रेंड्स 4। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे,
आगे मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ इसको, 17 तो 17 रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन जब होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 17 और एक 18, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 के स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दो बार लिख सकता हूँ इसको मैं, 18 × 18 बात एक ही है, अपॉन में हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो इसको आप सिंपल से सॉल्व कर लीजिए, दो से इसको काट दीजिए, दो दूना 4, दो नम 18, दो एकम दो, दो नम 18, तो हमारा जो डिजिट बचेगा वो बचेगा 17 × 9 × 9। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 1377, 1377 इसका जो है 1377 1377 इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। बड़ा सिंपल है, 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो आपको फार्मूला ये वाला पुट करना है, फार्मूला आपको रिवीजन करना पड़ेगा, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन इसका जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। डिजिट जो है मैं चेंज कर देता हूँ, 1 to 17 दे रखा था अभी यहाँ पे, अब हम बात करते हैं 1 से 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का के घनों का क्यूब का हमको जो है एवरेज निकालना है। फार्मूला यही है, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, आप चाहें तो जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर सारे फार्मूले जो है आप प्रेस कर लें, तो आपको डेली फार्मूले जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो सारे फार्मूले आज यूज हुए हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ साइड बाय साइड, ठीक है। पहला फार्मूला जो हमारा यूज हुआ था वो ये हुआ था, एन प्लस वन अपॉन 2। सेकेंड वाला फार्मूला जो हमारा यूज हुआ था वो ये था, एन प्लस वन, फिर था 2n+1 अपॉन में था हमारा 6। ये वर्गों का औसत निकालने के लिए है, ये सिर्फ संख्याओं का औसत निकालने के लिए है। देन थर्ड वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पर यूज किया है घनव के लिए, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये जो लगातार प्राकृत संख्याएं दे रखी है उनके घनों का औसत निकालने के लिए वाला फार्मूला हम जो यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अभी आपसे क्वेश्चन जो है चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, यहाँ पे छठा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत हमको निकालना है। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि लगातार प्राकृत संख्याएं दे रखी हो और अगर अपने को उनका घन का औसत निकालना है तो फार्मूला हमको पता है, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, एन हमको पता है लास्ट वाली डिजिट होती है 50, देन 50+1 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक है। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो मल्टीप्लाई लगेगा यहाँ पे, 50 और एक 51 हो जाएगा, 51 का स्क्वायर। देन आपको 51 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 51 का मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको डायरेक्टली ऐसा लिखना 51 को दो बार लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर और डिटेल बता देता हूँ, 50 फिर आपको यहाँ पे लिखना है इनटू ब्रैकेट में 50+1 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51 का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा आपका यहाँ पे 4। तो 51 दो बार लिख लीजिए आप, 50 × 51 × 51 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। बस जब इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में जो है इसका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3251.5, इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ नहीं है, आप जब 4 से 50 को डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट में जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन था 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत हमको निकालना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा चेंजेस है, ये क्वेश्चन नंबर आज का औसत का जो है हमारा 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये, क्या कह रहा है देखते हैं 7वां क्वेश्चन हमारा। इसमें आपसे पूछा गया है 1 से 102, ठीक है, 1 से 102 तक लगातार संख्याएं दे रखी, यानी कि ये प्राकृत संख्याएं, ठीक है, तक की सभी संख्याओं, ठीक है, 1 से 102 तक की सभी संख्याओं, सभी के बाद इसमें थोड़ा एक्चुअली सम है, सम संख्याओं का पूछा है इन्होंने, ठीक है, सम संख्याएं जैसे कि 2, 4, 6 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 1 से 102 तक की सभी सम संख्याएं, सभी सम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, सभी सम संख्याओं, ठीक है, का हमको निकालना है यहाँ पे औसत। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा।
एक से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हमसे इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे अगर आपसे पूछे सम संख्याओं का औसत, ठीक है। लगातार देंगे आपको सम संख्याओं का औसत, ठीक है। सम संख्याओं का औसत निकालने का एक बड़ा सिंपल सा जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है फ्रेंड्स, हम इसमें लिखेंगे n अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। n अपॉन 2 प्लस 1 ये वाला जो फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, ठीक है। तो सम संख्याएं आप लोग जानते हैं कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, कोई भी हासिल नहीं बचे, तो उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, n हमारा लास्ट वाला डिजिट होता है, 102 अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो आपका आंसर बचेगा 51 प्लस 1, देन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 52, 52 इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए आप, 1 से 102 तक की सभी सम संख्याएं पूछी है आपसे, ठीक है। इसको आप बड़े ध्यान समझिएगा, सभी सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, तो सम संख्याओं का औसत निकालने का फार्मूला होता है n अपॉन 2 प्लस 1। ये आज का हमारा फार्मूला नंबर 4 था, क्या है n अपॉन 2 प्लस 1, ये कब यूज़ करते हैं हम, जब सम संख्याओं का औसत जो है हमसे पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और जो है वो करने की कोशिश करते हैं, सम संख्या वाला ही, ठीक है। डिजिट जो है मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से 210 तक की सभी सम, ठीक है, सभी सम संख्याओं का हमको औसत निकालना है। बड़ा सिंपल है, सम संख्याओं का औसत निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है n अपॉन 2 प्लस 1, तो बस इसी में वैल्यू रख दीजिए। n क्या होता है, लास्ट डिजिट जो हमारी n होती है, तो 210 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 1, यहीं कैंसिल कर दीजिए आप इसको। ये कितनी बार जाएगा, लगभग 2 एकम 2 भाग नहीं जाएगा उसका, 0 आएगा, 2 पंजे 10, 105 प्लस 1, देन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 106, ठीक है। तो 1 से 210 तक की सभी सभी सम संख्याओं का औसत जो है हमारा निकलेगा 106, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसका थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज है। अभी हमने सम की बात करी थी, ठीक है, अब हम थोड़ा सा विषम के ऊपर बात कर लेते हैं। विषम क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है कितना था लास्ट वाला, अब 8 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको इसमें पूछा गया है विषम संख्याओं के बारे में एक कर लेते हैं हम थोड़ा, 1 से 91 तक, 1 से 91 तक की जो भी विषम संख्याएं हैं कि सभी विषम, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, विषम संख्याओं का हमको क्या निकालना है, औसत यानी कि एवरेज हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है फ्रेंड्स, विषम संख्याएं आपसे यहाँ पे पूछ रखी है, ठीक है। तो लगातार दे रखी है 1 से 91 तक, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, स्टार्टिंग वाला जो हमने लगातार प्राकृत संख्याओं का जो औसत निकाला था उसमें। तो अगर आपसे लगातार विषम, ठीक है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ ले तो फार्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा वाला, जो हमने लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए किया था, ठीक है। तो लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालने का फार्मूला बड़ा सिंपल है, n+1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, बस आप वैल्यू रख दीजिए, n आपको पता है लास्ट वाली डिजिट होती है, तो 91 प्लस 1 अपॉन 2, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 92 अपॉन 2, कैंसिल कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 छक 12, हमारा आंसर आएगा 46 फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसका, 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी में, थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ, इसमें मैंने लगा दिया यहाँ पे 1 से 123 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, क्वेश्चन सेम है, डिजिट बदल गई है, फार्मूला आपको पता है, लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है तो फार्मूला यही लगेगा हमारा n+1 अपॉन 2, ठीक है। आप इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो n कितना है हमारा यहाँ पे, 123 है, प्लस 1 अपॉन
क्या हो जाएगा 2, तो 123 में आप एक ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 124 अपॉन 2, कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दुना 4, 62 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये था इस सीरीज यानी कि इस टॉपिक का औसत एवरेज का पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 है। ओके इसके बाद मैं आपके एक और वीडियो लेके आऊँगा पार्ट 2, तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं एक वीडियो और आपके लिए बनाऊँगा पार्ट 2 का, उसमें एडवांस लेवल के जो है एवरेज यानी कि औसत के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने लगभग 8 टाइप के क्वेश्चन करे, पांचवा जो फार्मूला हमारा वो ये वाला यूज़ किया था हमने, एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो 5 फार्मूले पे भी आप आज जो हमने क्वेश्चन किए, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ये वाला फार्मूला जो हमने यूज़ किया था ये लगातार जो है हमारी जो प्रकृत संख्याएं होती है उसका औसत निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6 वाला फार्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये आपको जब लगातार संख्याएं दे रखी है प्रकृत संख्याएं, ठीक है प्रकृत संख्याएं, तो वर्गों का अगर आपको औसत निकालना है, किसका औसत निकालना है, वर्गों का औसत, देन हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये वाला फार्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ये जो हमारी प्राकृत संख्याएं दे रखी है, प्राकृत संख्याएं दे रखी है, ठीक है, के घनों का अगर आपको औसत निकालना है, के घनों का औसत अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एन अपॉन 2 प्लस 1 वाला, ये अगर आपको जो भी संख्याएं दे दें कि 1 से 50 1 से 60 तक की सम संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है, सम संख्या का औसत अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और ये वाला फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला संख्या है, ये वाला जो फार्मूला है ये विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज मेरे 5 फार्मूले पे बेस्ड आपको ये औसत यानी कि एवरेज का वीडियो बनाया है, इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एवरेज औसत के हम 2 वीडियो बनाएंगे, ये पहला वीडियो है, देन इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें आपका पूरा जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स, गुड बाय।